रक्षाबंधन के साथ ही घर घर गुग्गा गाथा की भी शुरुआत हो गई है और हमीरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में गुग्गा गाथा रक्षाबंधन से शुरू होकर जन्माष्टमी तक घर घर सुनाई जाती है। पुरानी संस्कृति के अनुसार गुग्गा गाथा को सुनना शुभ माना जाता है और इसीलिए नंगे पाम गुग्गा का छत्र उठाकर गुग्गा गाथाएं हर घर में सुनाई जाती है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी जिंदा रखा गया है और लोग भी इसमें पूरी आस्था रखते हैं। हमीरपुर बाजार में भी गुग्गा जहर पीर के अनुयायी गाथा सुनाते हुए आगे बढ़ गए। बता दें कि गुग्गा जहर पीर को राजा छत्री जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है और लोक मान्यता व लोक गाथाओं के अनुसार गुग्गा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गुग्गा जी गुग्गा गुग्गा जहर पीर व जहर पीर जहर वीर के नाम से भी पुकारते हैं, जो गांव गांव घर घर जाकर लोगों की मन्नत पूरी करते हैं। वो लोग जो अपनी इच्छा से मन्नत मांगते हैं उसको गुग्गा पीर पूरी करते हैं। गुग्गा मंडली के सदस्य ने बताया कि गुग्गा गाथाओं को पुरानी परंपराओं के अनुसार ही हर घर में जाकर सुनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुग्गा जार पीर की सारी गाथाओं को गीत के माध्यम से सुनाया जाता है और पुरानी संस्कृति को सदियों से निभाते आ रहे हैं। काले महीने च गुग्गा जहर पीर जेड़ा था उसका गुणगान करते, मतलब पूजा करते, गुणगान करते, घर घर सुनाते हैं जाने उसका गुणगान करते। निके दिन का शुरू होता है, ये रखड़ी वाले दिन से शुरू होता, कदम गुग्गा नौमी वाले मेले हो जाते कंडारे। इस बीच गुग्गा पीर जहर पीर जेड़ा इसकी प्रशंसा होती, पेट भजन होंगे इसके बारे सुनाते जी भी कियां गुग्गा जन्म लिया, क्या कि कल ब्याह होया कुत्ते आया कुछ लगे। लोग खरे सुनते तैयार ने कि पहले फर्क पे ऐसी जैसे हमारी पुरानी संस्कृति है, सदियों से चली आए करे पे सुन दे कर गान दे कर गान दे।